ओ हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हाइपर ओएस अपडेट्स के रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के सामने आ चुकी है। और ये न्यूज़ यूज़र्स के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे शॉकिंग है, क्योंकि इसके बारे में यूज़र्स ने बिल्कुल भी एक्सेप्टेशंस यहाँ पे नहीं रखी थी। सबसे पहले यहाँ पे हमें ये देखने के लिए मिला था कि अगर आपका यहाँ पर चाइना वेरियंट का कोई सा भी स्मार्टफोन है और आप उसमें चाइना रोम को यूज़ कर रहे हैं, सो चाइना रोम को यूज़ करने की वजह से अगर आप उसमें ग्लोबल रोम को ट्राई करेंगे, सो आपका सॉफ्टवेयर में आपको ये शो होगा अनसपोर्टेड सॉफ्टवेयर शटडाउन। और ये केवल अभी Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G एंड Redmi Note 13 Pro Plus 5G में ही हमें यहाँ पे शो हुआ था। सो अब इसी के साथ साथ यहाँ पे इंडियन के स्मार्टफोन्स में इससे भी बड़ी खतरनाक न्यूज़ निकल के सामने आ चुकी है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे कौन कौन से स्मार्टफोन्स के लिए और अगर हम यहाँ पे किसी और रीज़न की रोम को बूट करेंगे सो हमें यहाँ पे क्या शो होगा, ये भी मैं आपको शो कर देता हूँ। सो यहाँ पे एक डेंजरस न्यूज़, वाओ, नाउ वी कैन फ्लैश चाइना रोम ऑन अ ग्लोबल डिवाइस Redmi K70 Ultra। सो Redmi K70 Ultra रिसेंटली चाइना रीजन में लॉन्च हुआ है और उसमें हमें ये देखने के लिए मिला है कि अगर आप इसमें ग्लोबल की रोम को, यानी कि ग्लोबल के स्मार्टफोन में चाइना की रोम को फ्लैश करेंगे सो आपको एक एरर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एरर है नॉट सपोर्ट टू यूज़ ग्लोबल डिवाइस टू फ्लैश CN पैकेज। सो यहाँ पे ये क्लियरली शो करता है कि आप ग्लोबल के स्मार्टफोन में, जैसे कि Redmi K70 Ultra Xiaomi 14T Pro के नाम से यहाँ पे लॉन्च किया जाने वाला है, सो आप यहाँ पे Xiaomi 14T Pro में Redmi K70 Ultra की रोम को फ्लैश नहीं कर सकते। और यहाँ पे ये भी है कि स्टिल वी कैन रिमूव लाइंस टू सॉल्व दिस बट सपोज सिस्टम शोज अनसपोर्टेड सिस्टम लाइक दिस, जैसा कि Redmi Note 13 5G सीरीज में शो हुआ था। सो मान लीजिए कि हम इस वाली लाइन को फ्लैश और BATA फाइल्स में से रिमूव कर दें और हम सिस्टम को बूट भी कर लें और हमें बूट करने के बाद कुछ भी एरर देखने के लिए नहीं मिला, और अगर बाय चांस हमने अपने डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट कर लिया सो फैक्ट्री रीसेट करने की हेल्प से आपको एक एरर और यहाँ पे शो हो सकता है, जो कि है अनसपोर्टेड डिवाइस का, जो Redmi Note 13 5G सीरीज़ में शो हुआ था। और अब इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और एरर यहाँ पे शो हो चुका है, वो एरर कौन सा है ये भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। सो यहाँ पे वो दूसरा एरर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि अगर आपके पास इंडियन Redmi 13C 5G, Poco M6 5G, Redmi 12 4G, Redmi Note 13 5G सीरीज, Xiaomi CV 4 Pro यानी कि Xiaomi CV 14 और यानी कि Xiaomi 14 CV, Redmi Pad Pro 5G और आपके पास ये स्मार्टफोन्स हैं और अगर उसमें आपके डिवाइस में लॉक्ड बूट लोडर है, सो ये यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं RenewTek 2.0 को, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है डोंट ट्राई फ्लैशिंग नॉन इंडियन बिल्ड्स यू विल फेस रिकवरी बूट लूप लाइक CN2 ग्लोबल केस। जैसा कि CN2 ग्लोबल के केस में हमें बूट लूप का इशू फेस होता है, सो अब यही सेम इशू आपको यहाँ पे शो होगा। और ये वाला जो एरर है ये भी हमारा फास्ट बूट रोम में ही हमें देखने के लिए मिलेगा। सो यहाँ पे जो ये लॉक्ड बूट लोडर का मतलब है ये है कि आपने अपने डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक कर लिया और फास्ट बूट रोम को फ्लैश करते समय आपने वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया क्लीन ऑल एंड लॉक, सो आपको बूट लोडर को यहाँ पे लॉक नहीं करना, अनलॉक ही रखना है। अनलॉक के साथ आप यहाँ पे अभी भी इन रोम्स को इजीली फ्लैश कर सकते हैं, ग्लोबल की रोम, चाइना की रोम या किसी अदर रीजन्स की रोम को। सो वो वाला एरर अभी केवल Redmi K70 Ultra के लिए है कि आप चाइना का पैकेज उसमें फ्लैश नहीं कर सकते अगर आपका ग्लोबल का डिवाइस है, लेकिन आप इन वाले स्मार्टफोन्स में चाइना की रोम, ग्लोबल की रोम और अदर रीजन्स की रोम को अनलॉक्ड बूट लोडर के साथ यहाँ पर फ्लैश कर सकते हैं। सो आपको ये वाली न्यूज़ कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करके जाएं।